तो चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आज का मेन टॉपिक है कि एक जूम चार्जर में कहां कहां पर कितनी वोल्टेज आती है और वो ओके है या फाल्टी है, ये कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डीसी टू डीसी सर्किट को चेक करना है। डीसी टू डीसी सर्किट जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये एरिया डीसी टू डीसी है। यहाँ से अगर चलें, ये एरिया और ये एरिया पूरा डीसी टू डीसी सर्किट है। और अगर देसी और इजी भाषा में बोले तो एक हिस्से को हम डीसी बोल सकते हैं, इधर वाला डीसी और इधर वाला एसी हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें डीसी वाले हिस्से को चेक करना होता है कि क्या ये सही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3525 आईसी लगी हुई है और 3525 आईसी के पिन नंबर 13 और 15 पर 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। इसके लिए आप एमसीबी को ऑन करें और एमसीबी को ऑन करने के बाद मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर एडजस्ट करना है और रेड प्रॉब को 3525 आईसी के पिन नंबर 13 15 पर रखना है और ब्लैक प्रॉब को ग्राउंड यानी सेकेंड के ग्राउंड। अब मुझे यहाँ चेक करना है, ये आपको 15 नंबर पिन पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। देखिए 12 वोल्ट आ गया है, ये 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट यानी ये वाला एरिया बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमें इसके पिन नंबर 8 पर 0.4 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, 0.4 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि 0.38 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ये सही है। उसके बाद अगला स्टेप है कि जो 3525 आईसी है, 3525 आईसी है उसके पिन नंबर 16 पर 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 वोल्ट भी मिल रहा है। उसके बाद अगर ये 5 वोल्ट मिल गया, जिसे रेफरेंस पल्स कहते हैं, अगर ये वोल्टेज मिल गया तो ये माना जाता है कि 3525 आईसी 50% ओके है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 3525 आईसी के सप्लाई पिन 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन होता है, जिस पे 12 वोल्ट आना चाहिए, जो कि मैंने चेक करके दिखाया यहाँ पे। ये देखिए 15 है और ये 13 नंबर, उसके बाद सीधा आना है 16 नंबर पिन पर, जो कि हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये भी ओके है। और फिर पिन नंबर 8 पर 0.4 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया तो ये माना जाएगा कि आईसी 50% ओके है, लेकिन इसके 11 नंबर पिन और 14 नंबर पिन से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे हमें एसी देना होगा। और जब हम एसी देते हैं तो क्या होता है, ये समझने के लिए आपको मैं एक बार बता दूं कि जैसे कि इसका 10 नंबर पिन लो होनी चाहिए, यानी 3525 आईसी का पिन नंबर 10 लो होना चाहिए, तब ये चलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये हाई रहेगा तो नहीं चलेगा। जैसे कि अब ये देखिए पिन नंबर 10 पर आ रहा है 3.03.03, इसका मतलब पिन नंबर 10 इज हाई। अगर पिन नंबर 10 हाई है तो 11 और 14 से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, और इसे आउटपुट लेने के लिए मुझे एसी जोड़नी पड़ेगी, और एसी जोड़ करके फिर मुझे आउटपुट मिल सकता है। तो अब हमें एसी जोड़ेंगे। एसी जोड़ने के बाद आपको बस ये ध्यान देना है दो जगह, एक तो यहाँ पे जो एलईडी लगी हुई है, ये लाल वाली रेड जिसे कहते हैं पावर इंडिकेटर, ये जलनी चाहिए। जब ये जलेगा तो कंट्रोलर आईसी से सिग्नल आ करके पिन नंबर 10 को लो किया जाता है या 10 नंबर पिन लो हो जाता है, और लो होने के बाद ये चालू होगा। लो होने के बाद ही 11 और 14 से आउटपुट होगा या चार्जर चालू होगा। तो देखते हैं, ये कुछ समय लेता है, जिसे डीले सर्किट इसमें यूज किया गया है, और डीले सर्किट के कारण ऐसा होता है। तो अब आपको फिर से एक बार मैं 10 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करा दूं। देखिए
3.03 आ रहा है। स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑन कीजिए पीछे से, स्विच ऑन कर दो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मीटर से कि ये थोड़ी देर के बाद ये लो होनी चाहिए। ये देखिए अब कम हो गया, लो हो गया, लो हो गया, और यहाँ पे आपको ये पावर एलईडी भी जल गई। लेकिन अब हमें स्विचिंग कराने के लिए 11-14 से आउटपुट मिलनी चाहिए। ये देखिए 14 नंबर पिन है, और 14 नंबर पिन पे 11-14 पर हमें मिल जाना चाहिए 3 से 6 वोल्ट। ये देखिए मिल रहा है, यानी आउटपुट हो चुका है, ये आउटपुट हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे जो चार्जिंग वोल्टेज है वो हमें मिलनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग वोल्टेज ओके है या फॉल्टी, या मिल रही है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, रिले के जो ये स्विच वाले पॉइंट है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। अगर रिले के स्विच पे दोनों साइड आपको सेम वोल्टेज मिला, इसका मतलब चार्जर ऑन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रिले के स्विच पर आपको 50 वोल्ट पहले वाले पर जिधर से वोल्टेज आ रहा है, यानी चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है, उधर 50 वोल्ट आ रही है, और दूसरे साइड भी 50 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग ऑन हो गई है या चार्जर चार्ज करना चालू कर चुका है। और यहाँ पे आप देखिए 30% का ब्लिंकिंग भी जारी हो गया है। अब ये ब्लिंकिंग जारी होगा और आप देख रहे हैं ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है। तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि जैसे आपके पास पैनल बोर्ड है तो इसमें बहुत कुछ सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम से भी हम जान सकते हैं कि हमारा चार्जर ऑन है या नहीं और एम्पियर देगा या नहीं। तो अगर आपके पैनल बोर्ड के का ये बल्ब जो 100 वाट का है, अगर ये जल गया लेकिन इसकी लाइट कम है, अगर लाइट कम है तो ये समझ लेना कि चार्जर ऑन हो गया है। चाहे इसकी पावर एलईडी जले या न जले, चार्जिंग एलईडी जले या न जले, लेकिन ये लाइट हल्की सी ग्लो हो रही है तो ये समझ लेना कि चार्जर ऑन हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें एम्पियर भी बन रहा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चार्जर ऑन हो जाता है, चार्जिंग एलईडी ब्लिंक करने लगती है, जिसे आप देख रहे हैं अक्सर लोग इसे 30% का फॉल्ट बोलते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर ये चार्जिंग एलईडी यानी 30% वाली एलईडी जल गई तो वो समझ लेते हैं कि ये चार्जर ऑन हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि चार्जर आपका ऑन हो चुका है। अगर 30% का एलईडी जल गई है तो ये कन्फर्म नहीं है कि चार्जर ऑन हो गया है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? एक तो हम पैनल बोर्ड पे अगर ये लाइट जल करके, पहले तो तेज़ जलेगी और उसके बाद हल्की जलेगी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अगर ऐसा जल गया तो आपका चार्जर ऑन है, ये पहली पहचान है। अगर आपके पास पैनल बोर्ड नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे रिले का ये पॉइंट है, ये दोनों जो कि स्विच का है, तो इन दोनों साइड में हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर दोनों साइड में बराबर वोल्टेज मिल गया तो चार्जर ऑन है। जैसे आप ये देख रहे हैं 50 वोल्ट 50.8 वोल्ट, यहाँ पर भी 50.8 वोल्ट, यानी बोथ साइड सेम वोल्टेज, दैट मीन्स चार्जर इज ओके या चार्जर इज वर्किंग। और एक और तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है जो कि शॉर्टकी डायोड है, शॉर्टकी डायोड के कैथोड पे हमें वही 50 के आसपास वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये देखिए 50 मिल रहा है, इसका मतलब चार्जर ऑन है। उसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि अब हम इसके सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ये टर्मिनल है यहाँ पे आप एसी चेक कर लीजिए, तो ये समझ लेना, जैसे कि मैंने एसी चेक किया तो एसी आपको ये बता रहा है 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट के आसपास, तो ये 1 वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 से 2 वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब ये है कि चार्जर ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हमारा कुछ पैनल बोर्ड पर कुछ मीटर लगे हुए हैं, तो मीटर हमें ये बताएगा कि ये क्या प्रॉपर चार्जर ऑन है या नहीं कन्फर्मेशन के लिए। तो इसके लिए मैं इसे अभी सीरीज में जोड़ा हूँ, और सीरीज में जोड़ने से एम्पियर शो नहीं करेगा, वोल्टेज ज़रूर शो करेगा। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ दूँ तो ये एम्पियर भी शो कर सकता है। तो आइए
अब मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ इसे और डायरेक्ट जोड़ करके देखते हैं पैनल पे कि क्या ये चार्जर ऑन हो गया है या नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो ऑन कर दिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे पावर एलईडी जो इंडिकेटर है वो जल चुकी है। उसके बाद जब इसमें कुछ आवाज़ आएगी तो जिससे रिले ऑन होता है और रिले के बाद देखिए अभी अब रिले की आवाज़ आ चुकी है। तो अब यहाँ पे चार्जर ऑन हो गया और आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 20 एम्पियर 21 एम्पियर शो कर रहा है और 54 वोल्ट 26 ये 30 तक जा सकता है। अगर 30 तक जा सकता है। अगर 30 से ऊपर आता है तो मॉस्फेट ख़राब होने के चांस होता है। अब देखिए फैन भी घूमने लगा, इसका मतलब है ये 28 तक या 29 तक गया था। अगर आपको कभी भी किसी चार्जर में अगर पैनल वोल्ट में 30 प्लस यानी 30 एम्पियर से अधिक एम्पियर की खपत उठाता है फर्स्ट टाइम में, तो समझ लेना कि चार्जर भले ऑन हो गया है लेकिन उसका मॉस्फेट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैनल वोल्ट में आने वाला जो डिजिट है वो 30 से अधिक ना जाए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ये बैटरी को चार्ज करेगा तो ये एम्पियर डाउन होगा यानी 30 से नीचे की ओर जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज क्या होता है अप यानी बढ़ता है। जैसे कि अब देखिए अभी आपको आ रहा था 28 के आसपास, अब क्या है 22.6। यहाँ पे आपको 222 दिख रहा है लेकिन बीच में पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा ऐसा सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का ये एम्पियर मीटर है। अब यहाँ पे ये जैसे जैसे ये घटेगा एम्पियर वैसे वैसे इसका एम्पियर घटेगा और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वो शो कर रहा है 7 एम्पियर यानी बिजली की जो खपत एसी की खपत क्या कर रहा है 7 एम्पियर और निकाल क्या कर रहा भी 18 एम्पियर। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो चार्जर जब बैटरी को चार्ज करता है तो ये एम्पियर धीरे धीरे कम होता जाएगा यहाँ तक कि 1 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर लगभग 66 या 64 आएगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाएगा चार्जर, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब हमने ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि जब चार्जर ऑन होगा तो यहाँ पर आने वाला वोल्टेज क्या होगा, जो आप हमने पहले चेक किया था पिन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे जब हम चार्जर ऑन नहीं था तो पिन नंबर 8 पे था 0.4 वोल्ट के आसपास, और जब मैं चार्जर को ऑन कर चुका हूँ तो ये आना चाहिए 4.8 वोल्ट तक। देखते हैं कि ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार आप लोग देखिए ठीक से कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे आ चुका है 4.79 यानी 4.79 का मतलब है यानी ये एकदम सही है, ये सर्किट काम कर चुका है, ऑसिलेटर आईसी एकदम परफेक्ट काम कर रही है और चार्जिंग वोल्टेज भी आउट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा ये वोल्टेज चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर ये सारा सर्किट ठीक है और एम्पियर की दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एम्पियर को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपको कई बार क्या होता है कि ये मॉस्फेट अगर ओके नहीं है या इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो एम्पियर वगैरह नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जैसे कि चार्जर जो कट ऑफ होती है तो कैसे होती है और कहाँ पे होती है। तो ध्यान रखना है कि ये 3525 आईसी का पिन नंबर 1 और 2 है। तो 1 और 2 की वोल्टेज अगर जब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चार्जर कट जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 1 और 2 की वोल्टेज कितनी है। ये 1 नंबर की वोल्टेज आपको मैं चेक करा रहा हूँ और उसके बाद 2 नंबर की एक बार फिर से देखते हैं। 1 और 2 पर देखिए ये आ रहा 2.98 वोल्ट और
दो नंबर पे आ रहा है 2.97, यानी अभी 0.12 की फर्क है, यानी अभी आपको लगभग 0.2 वोल्ट के फर्क आ रहा है। जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो ये चार्जर ऑटोमेटिक कट जाता है, ये चार्जर ऑटोमेटिक कट जाता है। लेकिन अभी इसमें यानी एक नंबर पिन और दो नंबर की पिन की वोल्टेज में अगर अंतर हुआ तब तक ये फैन भी चलता रहेगा, आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। लेकिन जैसे ही एक और दो यानी 35-25 का एक नंबर पिन और दो नंबर की पिन एक बराबर होता है तो चार्जर ऑटोमेटिक कट जाता है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह के लाइव क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अच्छा तरीका से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।